क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करते हैं. इथाइलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज. इट हैज 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन एंड 51.6% ऑक्सीजन. इट्स मोलर मास इज 62.1 ग्राम्स पर मोल. डिटरमिन्स इट्स एम्पेरिकल फार्मूला. इथाइलीन ग्लाइकोल जो कि मोबाइल ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनकी परसेंटेज हमें गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, और उसका हमने क्या मालूम करना है, एम्पेरिकल फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है. इसके साथ सबसे पहले है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हमने परसेंटेज लिख दी है. नीचे आते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने के लिए. सबसे पहले कार्बन जो है 38.7% में था, तो 12 तो कार्बन का मास है, इस पर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएगा. हाइड्रोजन का भी बिल्कुल इसी तरह, इसके परसेंटेज को 1.008 इसके मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 9.62 आ जाएगा. और 51.6 जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसको 16 के ऊपर डिवाइड कर देंगे. इस तरह एटॉमिक रेशोस जो सब की हमारे पास यहाँ पे आई है उसको जो सबसे लोवेस्ट है उस पर डिवाइड करेंगे. लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास सेम आई हैं, तो इट मीन्स कि लोवेस्ट यही है, चाहे हम ये वाला पिक करें या ये वाला पिक करें. पहले हमने तीनों को लिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सबसे लोवेस्ट के ऊपर हमने उसको डिवाइड कर दिया. अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा, ये भी सेम है 1 आ जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 1:3:1. तो कार्बन जब 1:1 में होगा तो उसके साथ तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन ऐसे ही आ जाएगा. तो ये CH3O इसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर लिया हमने. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इसका मोलर मास जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है वो देखेंगे, फिर इसका हम फार्मूला मास जो ये एम्पेरिकल फार्मूला हमने मालूम किया इसका निकालेंगे. कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है और 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. और इस तरह ऑक्सीजन क्या है, 16, कलेक्टिवली इससे आ जाएगा 31.024 ग्राम पर मोल. मॉलिक्यूलर मास का जो फार्मूला है वो नंबर है मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास. तो ये n की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, फार्मूला मास भी है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास भी है. अब जो मॉलिक्यूलर मास है उसको फार्मूला मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे. एक 62.1 है और दूसरा 31.024 है, इससे आ जाएगा 2.001. तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आई, 2. अब 2 को उस एम्पेरिकल फार्मूला जो हमने मालूम किया था इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद जो इससे फार्मूला जनरेट होगा उसको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2, तो ये C2H6O2, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो ये सारा हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को क्या किया, सॉल्व किया. अब नीचे क्वेश्चन नंबर 17 है, उसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं. सेरोटोनिन मॉलिक्यूलर मास 176 ग्राम पर मोल इज अ कंपाउंड दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स इन ब्रेन एंड मसल्स. सेरोटोनिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्रेन में या मसल्स में नर्व्स कंडक्शन के तौर पे काम करता है. इसकी भी इंडिविजुअली जितने भी एलिमेंट है उसकी परसेंटेज गिवन है और इसका पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, तो सारे जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सबकी परसेंटेज लिख देंगे. गिवन में 176 इसका मॉलिक्यूलर मास है. परसेंटेज से हम नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करेंगे, तो कार्बन को उसकी परसेंटेज को हम उसके मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे. इस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ भी सेम प्रोसीजर करेंगे, तो सबकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी. और इन वैल्यूज़ को अब क्या करेंगे, सबसे जो स्मॉलेस्ट है इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0.57, इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे. तो इसे रेशो इसकी मालूम हो जाएगी. यहाँ पे कार्बन से यहाँ पे जनरेट हुआ 10, इससे 12:1. अब एम्पेरिकल फार्मूलाज इसका क्या होगा, C10, ये सेरोटोनिन की बात हो रही है, उसका हमने मालूम करना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला. लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने एम्पेरिकल जनरेट किया C10H12N2O. तो ये फार्मूला मास इसका जब हम मालूम करेंगे, 12 पुट करके 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 पुट करके 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
इस तरह 14 पुट करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 के साथ इसको प्लस कर देंगे, तो इससे आ जाएगा 176.096 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमने एन की वैल्यू का मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसी को एम्पेरिकल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एन को हमने एम्पेरिकल के साथ, इस फॉर्मूले को यहाँ पे जो अरेंज किया हुआ है, एन साइड पे आ गया और मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला आपस में डिवाइड हो गए हैं। तो 176 को जब 176 के ऊपर डिवाइड किया जाएगा तो उससे 0 पॉइंट और 0.99, तो इससे आ जाएगा क्या, 1। अब 1 को जब हम किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली वही वाली चीज़ दोबारा से आ जाती है। तो इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेरोटोनिन का सेम है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 को अगर जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे एग्जैक्टली वही वाली चीज़ जनरेट हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक अननोन मेटल है, इन अननोन मेटल एम रिएक्ट विद एस टू फॉर्म कंपाउंड विद फॉर्मूला M2S। इफ 3.12 ग्राम ऑफ एम रिएक्ट विद एग्जैक्टली 2.88 ग्राम ऑफ सल्फर, व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेटल एम एंड द कंपाउंड M2S3। इन्होंने कहा है कि कंपाउंड के अंदर जो एस है ये सल्फर है, लेकिन एम का पता नहीं है कि ये कौन सा वाला मेटल है। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ पे क्रिएट करना है कि रिएक्शन किस तरह हुआ है। तो स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाते हैं, M2S3 जनरेट करने के लिए 2M और 3S ने आपस में रिएक्ट किया, M2S2 जनरेट हो गया। दोनों के मासेस हमने लिखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S तो उसकी ग्राम को हम सल्फर के एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर 3 मोल ऑफ S रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल ऑफ M क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अगर 1 मोल ऑफ S रिएक्ट करेगा तो 2.3 मोल्स ऑफ एम जनरेट होगा, ठीक है। अब 0.09 मोल ऑफ एस जब रिएक्ट करेगा तो 2.2 × 3 0.09 के साथ मल्टीप्लाई, तो इससे आ जाएगा 0.06 मोल ऑफ एम, मतलब कोई भी मेटल है ये एम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास इंटू मोलर मास, यहाँ पे 3.12 डिवाइडेड बाय जो ये मोल्स जनरेट हुए हैं वो पुट किए हैं, मास किए, और इससे आ गया 52। 52 पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो 52 एटॉमिक मास है क्रोमियम का, ठीक है। तो एम यहाँ पे M2S3 है तो ये Cr2S3 हो जाएगा। मालूम हमने ये करना था कि ये मेटल कौन सा वाला है, तो ये मेटल है क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑक्टेन जो 8 कार्बन वाला होता है वो प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक नीचे हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि 2 मोल्स जो ऑक्टेन है वो बर्न हो रहा है 25 ऑक्सीजन के मोल्स के साथ, 16 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स जनरेट कर रहे हैं और 18 वाटर के। अब कह रहे हैं कि हमें बताएं हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। यहाँ पे तो 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा 4 मोल्स के लिए। तो 2 मोल्स के लिए अगर 25 चाहिए तो ऑब्वियसली 4 मोल्स के लिए फिर डबल चाहिए होगा, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50। 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन हैज़ 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो 4 मोल ऑफ ऑक्टेन हैज़ 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, हमने 2 ही स्टेटमेंट में इसको आंसर कर दिया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, यहाँ पे इस रिएक्शन को विजिबल कर देते हैं। कहते हैं कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा 1 मोल ऑक्टेन से। 2 मोल ऑक्टेन से कितना, 16 जनरेट हो रहा है, तो 1 मोल ऑक्टेन से कितना जनरेट होगा, इसका हाफ कर दे दें तो 8 मोल्स, 16 का हाफ है। तो यहाँ भी देखें आप, 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन जनरेट कर रहे हैं 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल ऑक्टेन जनरेट करेगा 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस बाय कम्बस्टन ऑफ 6 मोल ऑफ ऑक्टेन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब 2 मोल जो ऑक्टेन है वो जनरेट कर रहे हैं 18 वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो अब ये कह रहे हैं कि 6 मोल, 6 मतलब इसके डबल से भी ट्रिपल, तो इसकी भी हम डबल से ट्रिपल, मतलब 2 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 आता है।
तो यहाँ पे 18 के साथ भी हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आ जाएगा 54 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो 2 मोल अगर ऑक्टेन 18 वाटर की मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं, तो अगर 6 मोल ऑक्टेन डाल दिया जाए तो वो 54 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, जनरेट करेगा। यहाँ पे जो डी वाला पार्ट है वो है इफ़ दिस रिएक्शन टू बी यूज टू सिंथेसाइज 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि अगर इसी रिएक्शन को 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस के लिए यूज़ कर दिया जाए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर यूज, तो कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज, और कितना ऑक्टेन ग्राम्स में यूज़ होगा। इन्होंने मोल्स नहीं पूछे बल्कि ग्राम्स पूछे हैं। ठीक है, तो इसको हम ग्राम्स में भी कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज होके 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, 25 को हम 16 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। इस तरह 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन के लिए इसी को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आ जाएगा 12.5 मोल्स। अब मास मालूम करने के लिए इसका क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स को हम इसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ टू है इसलिए यहाँ पे 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा और मोल्स यहाँ से हमने पिक कर दिए हैं, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे 400 ग्राम्स ऑक्सीजन के आ जाएंगे। अब 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल ऑक्टेन को यूज़ करके जनरेट हो रहा है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली 2 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा और इससे आ जाएगा 8। तो 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 बाई 16 को, इससे आ जाएगा 1, क्योंकि 8 2 जर 16 हो जाएगा और 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 मोल आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल में 1 पुट करेंगे और 114। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास में हमारे पास आ जाएगा ऑक्टेन का कलेक्टिवली जो मास है वो 114 है, तो 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन यहाँ पे मास इतना चाहिए होगा ऑक्टेन का किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ Al2S3 विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 30 ग्राम ऑफ सल्फर, हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। कह रहे हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो Al2S3 उसके इंडिविजुअली हमें ग्राम्स गिवन है और कह रहे हैं कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कितना एक्सेस में हम यूज़ करें कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। तो इस रिएक्शन को इस तरह लिखेंगे कि एल्यूमिनियम 2 मोल्स, सल्फर 3 और इसे Al2S3 जनरेट हो जाएगा। ग्राम्स सबसे पहले इन ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसके एल्यूमिनियम और सल्फर के मासेस के ऊपर डिवाइड कर देंगे इसके मासेस को, ठीक है, मोलर मासेस को नंबर ऑफ मोल्स जनरेट करने के लिए। तो 0.74 मोल्स एल्यूमिनियम के आ जाएंगे और 0.93 मोल्स सल्फर के। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल एल्यूमिनियम का 1 मोल Al2S3 जनरेट कर रहा है, तो 1 एल्यूमिनियम हाफ मोल जनरेट करेगा। 0.74 मोल एल्यूमिनियम का हाफ को 0.74 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.37 मोल आ जाएगा। 3 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल जनरेट कर रहा है, तो 1 मोल सल्फर का 1/3 मोल जनरेट करेगा। 0.9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.31 मोल्स Al2S3 आ जाएगा। तो इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा वाला है, वो है Al, जो एल्यूमिनियम है वो Al2S3 के मोल जब फाइंड आउट हो गए तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चला वो क्या है, S। इसमें से जो ये सल्फर है ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46.5 ग्राम्स इससे मास जनरेट हो जाएगा। अच्छा, मास जो रिएक्टेंट का जो पीछे बच जाता है जो कि एक्सेस में होता है, तो 3 मोल ऑफ सल्फर जब 2 मोल एल्यूमिनियम जनरेट करेगा तो 1 मोल 2.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसी तरह आते आते यहाँ पे 0.62 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जनरेट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम जो कि मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो कि बच गया है वो हम इसको 0.74 को माइनस करेंगे 0.72 से और इससे आ जाएगा 0.12 मोल्स। ठीक है, तो ये तो मोल्स में आ गया है। अब इसका अगर हम मास मालूम करें तो इसी मोल्स को इसके मास के साथ एल्यूमिनियम 27 है मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर हमें ग्राम में भी
मिल जाएगा। तो 3.24 ग्राम्स जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्टेंट के अंदर बच जाएगा, मतलब कि एक्सेस में होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हाइड्रोजीन N2H4 एंड N2O4 आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट। इन दोनों को, जो लिक्विड्स को रॉकेट के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, दे प्रोड्यूस N2 एंड वाटर वेपर्स। इनसे जो बनता है वो नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2 गैस विल बी फॉर्म बाई रिएक्टेंट 100 ग्राम्स ऑफ N2H4 एंड 200 ग्राम्स ऑफ N2O4। कह रहे हैं कि कितना नाइट्रोजन बनेगा 100 ग्राम्स N2H4 को और 200 ग्राम्स N2O4 को अगर हम रिएक्ट करें। तो रिएक्शन इसका ये होगा कि 2 मोल्स N2H4 रिएक्ट करेगा 1 मोल N2O4 के साथ, 3 नाइट्रोजन के मोल्स बन जाएंगे और 4 वाटर के। तो मासेस यहाँ पे हमें गिवन है, इन मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? कि मास को इसके मोलर मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे और सिंपली हमारे पास इसके मोल्स जनरेट हो जाएंगे 3.125, और नीचे N2O4 का 2.17 मोल्स। तो 2 मोल अगर 3 मोल जनरेट कर रहे हैं तो 1 मोल 3 डिवाइड बाय 2 मोल्स N2 जनरेट करेगा। इसी तरह 3.125 मोल्स ऑफ N2H4 के से जो हमारे पास आ जाएगा कलेक्टिवली वो 4.68 आ जाएगा, और 1 मोल N2O4 से 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2.17 मोल्स N2O4। इसको अगर हम निकालना चाहें तो इसको सिंपली इसके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.5 मोल्स नाइट्रोजन के जनरेट हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या है? N2H4। N2H4 इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मास ऑफ नाइट्रोजन मालूम करने के लिए इसके नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मास हमारे पास जनरेट हो जाएगा जो कि 131 ग्राम्स है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 है, सिलिकॉन कार्बाइड इज एन इम्पॉर्टेंट सिरेमिक मटेरियल। इट प्रोड्यूसेस बाय अलाउइंग सैंड टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो क्या है? एक सिरेमिक मटेरियल है जो कि सिरेमिक से बनी हुई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसको अगर सैंड में इंट्रोड्यूस कराया जाए तो टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर, कार्बन के साथ इसको रिएक्ट कराए तो सिलिकॉन कार्बाइड बनता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन 100 kg सैंड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन, 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड? कह रहे हैं कि यहाँ पे परसेंट यील्ड हमने मालूम करनी है किस चीज़ की? SiC सिलिकॉन कार्बाइड की। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं, 1 मोल सिलिकॉन ऑक्साइड 3 कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सैंड के साथ, और सिलिकॉन कार्बाइड 1 मोल जनरेट हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल्स। यहाँ पे जो हमें मास गिवन है सल्फर का, तो सिलिकॉन ऑक्साइड का, तो ये 100 kg है। इस kg को जब ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 100 × 5, और यहाँ पे जो यूनिट है वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह जो मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड है वो 51.4 kg है। सेम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे 51.4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 51,400 ग्राम्स आ जाएगा। मोलर मास इन दोनों का जब हमने निकाला तो इससे आया 60 ग्राम, इससे आया 40 ग्राम्स। अब 60 ग्राम सिलिकॉन ऑक्साइड 40 ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड जनरेट कर रहा है, तो 1 ग्राम सिलिकॉन ऑक्साइड कितना सिलिकॉन कार्बाइड जनरेट करेगा जब 40 को 60 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, और 10 पावर 5 ग्राम ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड कितने जनरेट करेगा, इसको N2O5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो इससे आ जाएगा 66666.67 ग्राम्स। थेरेटिकल यील्ड इसकी, मतलब रिएक्शन से जो हमने फाइंड आउट की है वो ये है, जबकि एक्चुअली में क्या थी? 51,400। ठीक है, अब यहाँ पे थेरेटिकल और एक्चुअल को पुट करेंगे तो परसेंट यील्ड आ जाएगी। परसेंट यील्ड का फॉर्मूला हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल डिवाइडेड बाय थेरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आ जाएगा 77.1%। इसकी परसेंट यील्ड कितनी होगी? 77.1%। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज स्टोइकोमेट्री गिव इट्स अजम्पशन मेंशन टू इंपॉर्टेंट लॉज व्हिच हेल्प टू परफॉर्म द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस।
इसका जो पार्ट बी है वो है व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्ट एंड हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्सप्लेन विद थ्री एग्जांपल्स। ये दोनों थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। सिंपल यहाँ पे एक नोट की फॉर्म में आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टोइकोमेट्री की डेफिनेशन इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेजन। कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेजन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को देखें तो वो क्या कहलाता है, वो स्टोइकोमेट्री कहलाती है। अब अजम्पशंस क्या होते हैं स्टोइकोमेट्री के ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट। स्टोइकोमेट्री के मुताबिक अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो सारे के सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि नो साइड रिएक्शन शुड अकर, जो साइड रिएक्शंस होते हैं उनको नहीं होना चाहिए। इन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड। ये दोनों लॉज हैं, इनका ओबे होना स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर लाजमी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हेल्प टू परफॉर्म स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये दोनों लॉज हमें कैलकुलेशन के अंदर हेल्प देते हैं, मदद देते हैं। अब यहाँ पे है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाई बींग कंज्यूम अर्लियर देन द अदर रिएक्टेंट। इट प्रोड्यूस लीस्ट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, वो रिएक्टेंट जो कि पहले रिएक्शन के दरमियान कंज्यूम हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए, जो कि प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करे, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट उसी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उसमें से एक कम अमाउंट में और वो कम अमाउंट वाला पहले ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगा और जितना प्रोडक्ट बना है बस उतना ही रह जाएगा चाहे वो दूसरा वाला रिएक्टेंट मौजूद हो भी। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है ये प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, रिएक्शन के अंदर पहले कंज्यूम हो जाता है और लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट जनरेट करता है। इस तरह एग्जांपल्स इन्होंने हमसे तीन मांगी हैं तो यहाँ पे तीन एग्जांपल्स बर्निंग ऑफ कोल को अगर हम देखें, कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस होता है जबकि कार्बन लिमिटिंग होता है। अब ऑक्सीजन जितना भी ज़्यादा होगा उसको कार्बन अवेलेबल नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, तो कार्बन एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर काम करता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे फिर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है जबकि मीथेन क्या है, नेचुरल गैस, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए तो एक्सेस के होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बर्निंग ऑफ गैसोलीन, पेट्रोल का बर्न होना, C8 ऑक्टेन जो है H18 इसको 25/2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया है, 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ है और 9 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज इन एक्सेस एंड पेट्रोल इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे पेट्रोल क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन यील्ड। हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमसे पूछा है कि यील्ड की तारीफ करें, किस तरह एक परसेंट यील्ड को केमिकल रिएक्शन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। फिर कह रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर विच आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन केमिकल। कहते हैं कि प्रोडक्ट की लो यील्ड के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बताने हैं हमें। ठीक है, यील्ड को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। कितना प्रोडक्ट बना है, कितना अमाउंट बना है उसका, उसको कहा जाता है यील्ड। परसेंटेज यील्ड, लेट अस कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 2500 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन 4500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड। यहाँ पे परसेंटेज यील्ड, हमने एक रिएक्शन लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया, इसको रोस्ट कराया, उससे कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसको लाइम भी कहा जाता है, लाइम स्टोन, चूना। सो कैलकुलेट परसेंट यील्ड, वी रिक्वायर एक्चुअल यील्ड विद 2500 ग्राम्स जो कि हमें दिया हुआ मतलब स्टेटमेंट में गिवन है, एंड थ्योरेटिकल यील्ड विद 2500। थ्योरेटिकल यील्ड विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड थ्रू बैलेंस इक्वेशन। थ्योरेटिकल तो बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे कहा है कि 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुए, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड।
तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम बर्न करें तो वो फिर 56/100 ग्राम हो जाएगा। इस तरह अगर 4500 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट बर्न हो जाए तो 56 × 100 और 45 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे जो कैल्शियम ऑक्साइड ग्राम्स में जनरेट होगा वो 2520 होगा। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब थ्योरेटिकल यील्ड में हमने क्या किया, 2520 पुट किया, एक्चुअल जो स्टेटमेंट में दी हुई है ये 2500 ये, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास परसेंट यील्ड 99.2% जनरेट हो गई। तो इस तरह परसेंट यील्ड को फाइंड आउट किया जाता है। अब इसका जो पार्ट बी था वो ये था कि फैक्टर ऐसे कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि यील्ड को कम कर देते हैं। देर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो यील्ड एक्चुअल यील्ड टू प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि साइड रिएक्शन प्रोड्यूसेस बाय प्रोडक्ट, समटाइम रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये तीन ऐसे रीजंस हैं जो कि रिएक्शन प्रैक्टिकली रिएक्शन के अंदर ये होते हैं। रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रहा है तो उसमें बहुत से चांसेस ये भी होते हैं कि कोई साइड प्रोडक्ट बन जाए, तो साइड प्रोडक्ट बनने के लिए भी रिएक्टेंट की अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह वो जो रिएक्शन जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो अचीव नहीं हो पाता और वो कम हो जाता है। कभी कभी रिएक्शन रिवर्स में वापस आ जाता है, तो वापस आने के वजह से भी वो उसकी जो परसेंट यील्ड है, उसकी जो यील्ड जनरेट होनी है वो कम हो जाती है। इस तरह कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग हैंडलिंग, मतलब लेबॉरेटरी में फिल्ट्रेशन करते वक्त, डिस्टिलेशन करते वक्त या फनल्स को सेपरेट करते वक्त चीज़ें लॉस हो जाती हैं, थोड़ी सी गिर जाती हैं, या फिर हीट करते हुए लिटिल बिट एवोपोरेट हो गया, या फिर ये थोड़ी बहुत हैंडलिंग में, ड्राइंग में, कोई भी रीज़न जो क्रिस्टलाइजेशन में, ये सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है 25, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। कहते हैं यानी जो स्टेटमेंट्स गिवन है कि इनको रीजंस के साथ एक्सप्लेन करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर सराउंडिंग इन्वॉल्विंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन अ सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 20.18 amu। 1 mole ऑफ H2SO4 शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद 2 mole ऑफ NaOH। हाउ डज एवोगाड्रो नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन इट। कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर किस तरह ओबे होता है, और किसी भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सराउंडिंग में तो जिनके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इसको जस्टिफाई करना है। कहते हैं कि नो इंडिविजुअल नियॉन, एक इंडिविजुअल नियॉन जो कि सैंपल के अंदर प्रेजेंट होता है उसका मास 20.18 कैसे होगा, ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। 1 mole जो H2SO4 है शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद 2 mole ऑफ NaOH। हाउ डज एवोगैड्रो, कहते हैं एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे कैसे हेल्प कर रहा है कि वो 2 mole ऑफ NaOH जनरेट हो जाए। 1 mole ऑफ वाटर हैज़ 2 moles ऑफ बॉन्ड। कहते हैं कि 1 mole वाटर के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, 2 moles, 3 moles ऑफ एटम, 3 moles एटम के होते हैं, 10 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 28 moles ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन इट, और टोटल कलेक्टिवली 28 moles फंडामेंटल पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है। अब इसको भी जस्टिफाई करना है। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो बारी बारी इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। आंसर्स में है, सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज स्टेटेड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। कहते हैं मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है खुद ब खुद, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो नंबर ऑफ मोल्स एटम इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल। कहते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है उसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आर इक्वल हैंस देयर मासेस शुड ऑल्सो बी इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है तो इट मीन्स कि इनका जो बोथ साइड पे नंबर ऑफ मोल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए, ये
कौन कह रहा है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है। अच्छा, जो पार्ट टू है, मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं इन्वॉल्विंग लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट सो द रिएक्शन विल गो सो कंटिन्यूसली वुड नॉट स्टॉप। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इसके अंदर मौजूद ना होते तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा देर तक चलते और स्टॉप नहीं होते। बट ड्यू टू दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट द रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम आफ्टर द कंप्लीट कंजप्शन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन्हीं लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से ये रिएक्शन कुछ टाइम बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन वुड बर्न, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर विच इज एक्सेस इन नेचर, बट आफ्टर द कम्प्लीट कंजप्शन ऑफ वुड द फायर एक्सटेंशिज। अब जैसे कोई लकड़ी जल रही है, तो ऑक्सीजन तो उसको अनलिमिटेड सप्लाई मिल रहा है, ठीक है, और एक्सेस में है, लेकिन अगर वुड की कंजम्पशन ख़त्म हो गई है तो फिर वो आग जो है वो बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नियॉन हैज़ थ्री आइसोटोप विद इक्वल एटॉमिक मासेस, 20, 21, 22। कहते हैं कि नियॉन की तीन आइसोटोप है जिनके मासेस सेम है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप इन नेचर इज 92, 0.26, 8.82% रिस्पेक्टिवली, एंड 20.18 इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द थ्री आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। दिस इज द रीजन दैट नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इज इन अ सैम्पल एलिमेंट हैज अ मास ऑफ। अच्छा, कह रहे हैं कलेक्टिवली जो एवरेज है सबका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 20.8 है, तो इंडिविजुअली अगर सैम्पल के अंदर नियॉन प्रेजेंट है तो उसका 20.18 नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमसे पूछा था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको हमने जस्टिफाई करना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है, फोर्थ वाला पार्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइजेस, इट गिव 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, व्हिच इज टर्न नीड 2 मोल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सल आयन। दीज हाइड्रोक्सल आयन आर गिवन बाय 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस रूल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 × 10²³ एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स, सो द यील्ड ऑफ हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ H2SO4 इज 2 × 6.02 × 10²³ आइंस, एंड द यील्ड ऑफ OH आइंस फ्रॉम 2 मोल ऑफ NaOH इज दिस, सो एवोगाड्रो नंबर एक्सप्लेन द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव आइंस। अच्छा, कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल वो पॉजिटिवली चार्ज आयन देंगे, 2 नेगेटिवली चार्ज आयन देंगे, और ये बात निकली कहाँ से कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में क्रिएट होगी, ये एवोगैड्रो से निकली। एवोगैड्रो ने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए हमने ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज या आयन्स और नेगेटिवली चार्ज आयन किसी भी रिएक्शन के अंदर जनरेट होते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ NaOH। अच्छा, फिफ्थ वाला पार्ट है, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 2 बॉन्ड्स, सो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड एज फॉलो। वाटर के अंदर 2 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और दरमियान में ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है और एक यहाँ से, तो 2 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1 मोल के अंदर 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल्स होते हैं किस चीज़ के, वाटर के। तो H2, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 1 मोल के अंदर 2 मोल्स प्लस 1 मोल, मतलब 1 मोल वाटर जनरेट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3 एटम, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम ईच। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 3 मोल्स ऑफ एटम्स, ये जस्टिफाई हो गया। अब इसका दूसरा है कि वाटर जो है उसके अंदर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ठीक है, 2 किस चीज़ के, हाइड्रोजन के मतलब H2 है, 1 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन,
तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, इंडिविजुअली। तो वन मोल ऑफ वाटर कंटेन 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी जस्टिफाई हो गया। अब कह रहे हैं कि वाटर को अगर स्प्लिट किया जाए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो दो हाइड्रोजन 2 × 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन -4, ठीक है। तो 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 24। हाइड्रोजन का यहाँ पे दिया हुआ है कि दो हाइड्रोजन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसके अंदर, कलेक्टिवली हमारे पास 4 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, 8 क्योंकि उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 8 है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों 8 8 8 है, और कलेक्टिवली 24 हो जाएंगे। और दोनों को जब प्लस करेंगे 24 और 4 को, तो इससे आ जाएगा 28। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि वाटर के अंदर 28 मोल्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हैं। अब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये जो 6th वाला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 और CO के अंदर सेम है, तो NnCO 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, ये नाइट्रोजन 2 है और कार्बन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन 7 7 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर सात सात हो जाएंगे, और कलेक्टिवली N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन का 8, सो 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो सेम 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन के, तो कलेक्टिवली 14 हो जाएंगे, और 6 और 8 क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो ये भी दोनों 14 आ जाएंगे। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन भी 7 7 क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, जबकि एटॉमिक मास 14, तो 7 में 7 को प्लस किया जाए तभी 14 आता है। इसी तरह कार्बन जो है वो 6 और ऑक्सीजन 8, तो कलेक्टिवली इसका 14। तो इसीलिए हैंस प्रूव दैट कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की सेम होती है। अब यहाँ पे 7th वाला है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन H2SO4, H2SO4 के अंदर कितने होंगे। तो हाइड्रोजन H2 है तो 2, और इसका एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। इस तरह सल्फर 16 एटॉमिक नंबर और मास 32, 4 ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 और 16। अब यहाँ पे प्रोटॉन की अगर बात की जाए, इसके 2 होंगे, इसके 16 होंगे, इसके 32, और कलेक्टिवली अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएंगे 50। प्रोटॉन 50 हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है, तो ये भी साथ में 50 हो जाएंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही। और न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो 0, 16 इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें 32, तो 32 कलेक्टिवली 4 ऑक्सीजन के हम 8 8 8 कलेक्टिवली बता रहे हैं। तो 32 16 को प्लस किया जाए तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कलेक्टिवली H2SO4 में 48 आता है। तो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, और एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है। इस पूरे एक्सरसाइज से रिलेटेड, चाहे पार्ट 1 हो, 2 3, कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी यहाँ पे रीज़न आपको समझ ना आए, तो आप इजीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा तालिबात के लिए खुशखबरी, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल तक दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। As follows, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास ना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल, ठीक
ठीक है, अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है? हीट उस हीट पर कम होता है को ट्रांसफर की हाँ तभी कई बार मंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है? ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्स